अपने ही बन गए अनुप्रिया पटेल के लिए मुसीबत। टिकट मिला तो अनुप्रिया का प्रत्याशी हारेगा और टिकट नहीं मिला तो अनुप्रिया पर मंडराएगा हार का खतरा। रॉबर्ट्सगंज से सांसद पकौड़ी लाल कोल बने अनुप्रिया की मुसीबत। समझ अनुप्रिया को नहीं आ रहा, करें तो क्या करें। अपना दल सोनेलाल पटेल नेता अनुप्रिया पटेल भयंकर टेंशन में हैं। एक ऐसी सीट ने उन्हें फंसा कर रख दिया, अगर उस सीट के मौजूदा सांसद के पक्ष में फैसला लिया तो उस संसदीय क्षेत्र में अनुप्रिया पटेल के साथ बहुत कोई छोड़ जाएगा, और अगर नहीं बनाया तो टेंशन खुद अनुप्रिया पटेल के लिए हो जाएगी। अब इसी के आधार पर लोग कह रहे हैं रॉबर्टगंज से अपना दल सांसद पकौड़ी लाल कोल एनडीए के लिए मुसीबत बन गए हैं। टिकट पकौड़ी का अगर नहीं कटेगा तो दिक्कत होगी, और कटेगा तो दिक्कत अनुप्रिया पटेल को होगी। अब पकौड़ी लाल कोल के टिकट कटने की चर्चाओं की चिंगारी मिर्जापुर पहुंच गई है। कुल मिलाकर मिर्जापुर मंडल की रॉबर्टगंज लोकसभा सीट एनडीए के लिए गले की फांस बनती जा रही है। 2019 में अपना दल एस के टिकट से रॉबर्ट्सगंज लोकसभा क्षेत्र से सांसद बने पकौड़ी लाल का टिकट अनुप्रिया पटेल के लिए मुसीबत बन गया है। दरअसल सोनभद्र में पकौड़ी लाल कोल का विरोध है, अंदर खाने में भाजपा के कार्यकर्ता भी नाराज हैं। इस बार पकौड़ी लाल कोल के टिकट कटने को लेकर चर्चाएं तेज हैं। हालांकि उनका टिकट काटना अनुप्रिया पटेल के लिए मुसीबत बन सकता है। मिर्जापुर जिले में कोल मतदाताओं की संख्या ज्यादा है, यही वजह है कि अभी तक रॉबर्ट्सगंज सीट से प्रत्याशी की घोषणा नहीं हो सकी। मिर्जापुर जिले के रहने वाले पकौड़ी लाल सपा से 2009 में सोनभद्र से सांसद बने थे। 2014 में उन्होंने सपा से चुनाव लड़ा जहां उन्हें हार का सामना करना पड़ा। हालांकि इसके बाद पकौड़ी कॉल पाला बदलकर अपना दल एस में चले गए। 2019 में एनडीए गठबंधन से फिर से मैदान में आए जहां उन्हें जीत मिली। जीत दर्ज करने के बाद पकौड़ी लाल कॉल का ब्राह्मणों को लेकर एक विवादित बयान वायरल हुआ, जिसके बाद से उनका विरोध शुरू हो गया। विरोध को देखते हुए अपना दल एस ने पहले बयान से किनारा किया। अब चर्चा यह है कि उनका टिकट कट सकता है। मिर्जापुर जिले की 96 विधानसभा सीट कॉल बाहुल्य सीट है। यहां पर लगभग 70,000 मतदाता कॉल है। इस सीट से वर्तमान में पकौड़ी कॉल की बहू रिंकी कॉल विधायक है। राहुल प्रकाश कॉल की मृत्यु के बाद उनकी बहू इस सीट से विधायक बनी। पकौड़ी कॉल को समाज के लोग नेता मानते हैं, यही वजह है कि पकौड़ी कॉल का टिकट कटने से भले सोनभद्र में एनडीए को कोई नुकसान ना हो लेकिन अनुप्रिया पटेल को नुकसान हो सकता है। इसीलिए अभी तक अपना दल एस ने आधिकारिक रूप से मिर्जापुर और सोनभद्र सीट से प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया।